हाय फ्रेंड्स, आई एम भाग्यश्री एंड वेलकम टू कुक विद शगुन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्लैक करंट आइसक्रीम और ये आइसक्रीम खाने में टेस्टी लगती है और एकदम बढ़िया सी सॉफ्ट बनती है। और आज हम बनाएंगे बिना तामझाम वाली, ओनली दो इंग्रेडिएंट से हम ये आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है और ये व्हिपिंग क्रीम पहले से ही स्वीट है, इसमें शुगर ऐड की हुई है तो ये स्वीट है। ये हम जो केक बनाते हैं उसके ऊपर जो टॉपिंग करते हैं उसमें यूज़ की जाती है, तो बस वही मैंने यहाँ पे एक कप ले ली है और ये एकदम ठंडी लेनी है हमें। उसके बाद यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसे बीट किया है और हमें बहुत बीट नहीं करना है, एकदम लाइट एंड सॉफ्ट स्टिपिक आ जाए तब तक हमें इसे बीट करना है। करीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे बीट करने के लिए। तो आप देख सकते हो इस तरह के लेयर बन जाते हैं, बस उसी तरह का हमें इसे बीट करना है। तो देख सकते हो हमें ज़्यादा बीट नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पे ब्लैक करंट आइसक्रीम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रश लिया है, ब्लैक करंट क्रश आपको मार्केट में इजी से मिल जाएगा, तो इसी से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप लिया है ब्लैक करंट क्रश और इसे मैंने इस क्रीम में डाल दिया है। फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमें इसे बीट नहीं करना है, जस्ट इसे मिक्स ही करना है। तो आप स्पैचुला की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हो, और हाँ, आपके पास जो ड्राई ब्लैक करंट आती है वो हो तो आप उससे भी बना सकते हो ये आइसक्रीम, इसमें क्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसकी भी रेसिपी मेरी चैनल पे है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे हम मैंने ब्लैक करंट जो कलर फूड कलर आता है एक ड्रॉप इसमें डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है और बस हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लास्टिक का जो टीन होता है इसमें ले लीजिए, या आपके पास कोई केक टीन हो, एयरटाइट इस तरह का कंटेनर हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो। तो पूरा का पूरा ये मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। तो ये जो आइसक्रीम का मिक्सचर था इसे मैंने कंटेनर में डाल दिया है और ऊपर से लेयर भी कर लिया है। उसके बाद मेरे पास थोड़े से ड्राई ब्लैक करंट थे तो उसको भी मैंने टॉपिंग में डाल दिया है, ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, आपके पास हो तो आप डाल सकते हो वरना इसे स्किप भी कर सकते हो। तो उसको थोड़े से मैंने प्रेस कर दिया है, यानी कि ये आइसक्रीम में थोड़े सेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिंग रैप की मदद से मैंने जो कंटेनर है इसे कवर कर लिया है। इसे क्या होगा कि आइसक्रीम हम फ्रीज़र में डालेंगे तो इसमें आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे, आइसक्रीम बढ़िया से सेट हो जाएगी हमारी। उसके बाद जो ढक्कन था उसको हमने बंद कर लिया है और हम इस आइसक्रीम को पूरी रात रखेंगे फ्रीज़र में, या तो आप 8 से 9 घंटे के लिए, या तो जब तक आपकी आइसक्रीम जम ना जाए फ्रीज़र में, अच्छी तरह से सेट ना हो जाए, तब तक आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हो। जब भी आप इसे फ्रीज़र में डालें तो आपका फ्रीज़र थोड़ा हाई टेम्परेचर पर कर दीजिएगा, तो अच्छी तरह से आइसक्रीम सेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पूरी रात आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखा था, तो आप देख सकते हो बढ़िया सी आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है। तो देख सकते हो कि कितनी अच्छी कलर भी इसका आया है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही क्रीमी था और ये आइसक्रीम खाने में तो और भी टेस्टी बनी थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।